हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वाटरफॉल बनाना सीखेंगे और वाटरफॉल का यूज़ क्या होता है। तो जनरली वाटरफॉल जो होता है वो हम डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें डेटा सिक्वेंशियली और कम्युलेटिव इफेक्ट को दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कुछ सेल्स का मैंने डेटा लिया हुआ है। सो आप डेटा देखेंगे, सो डेटा देख के बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उसको वाटरफॉल डायग्राम में डालते हैं सो हमें यहाँ पर दिखता है कि उसका कम्युलेटिव किस तरह से हो रहा है, कौन से टाइम पीरियड में कितना वहाँ पर गेन या लॉस हो रहा है। सो जनरली ये मेरे से यहाँ पर सेल्स के नंबर है, सो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। बट मैंने यहाँ पर कुछ ये नेट लिया है, जो नेट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है। सो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये ईयर से यहाँ पर ये वहाँ उसका प्रॉफिट आ रहा है, ये उसका कंटेंट यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, देन इसके बाद यहाँ लॉस हुआ है। सो ये और इसने टोटल जो इसके आत्मकुश कितने 11 साल हैं, इसने 11 साल में कितना प्रॉफिट कम्युलेट किया है, सो वो यहाँ पर आ गया है। देन कौन से ईयर में कितना आया है वो भी हमको यहाँ समझ में आ रहा है, या किस किस ईयर में लॉस हुआ है तो वो भी हमें इजीली यहाँ पर समझ में आ रहा है। सिमिलर हम इसको पॉपुलेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि 1950 में कितना पॉपुलेशन था, या यहाँ पर अभी हम वो बना के दिखाएंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। पॉपुलेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, उसके इनकम स्टेटमेंट के लिए भी वो इसका यूज़ करते हैं। कैश फ्लो समझने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, इसको इन्वेंट्री के लिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो आज हम कुछ एक दो चार्ट बना के देखेंगे और इसको कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास, जैसे सबसे पहले मैं इसका सेल्स का बना रहा हूँ। सो ये मेरे पास ईयर है, ये हमारे पास ईयर है, ये उसके सेल्स के नंबर्स हैं या सेल्स का फिगर है, ठीक है। सो मैं सबसे लास्ट में इसका टोटल लिखूंगा और इसको टोटल सम कर दूंगा। जनरली मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ये सम को फॉर्मूला लगा के उसको सम कर दिया है। अभी सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में रिकमेंडेटेड चार्ट में जाना है। रिकमेंडेटेड चार्ट में जाएंगे, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर रिकमेंडेटेड में नहीं आ रहा है कुछ। हम यहाँ पर ऑल चार्ट्स में जाएंगे। ऑल चार्ट्स में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर वाटरफॉल है। वाटरफॉल पर क्लिक करना है। वाटरफॉल पर मैंने क्लिक कर दिया है। ये कुछ इस तरह का चार्ट यहाँ पर शो होगा। इसके बाद जो लास्ट में मैंने यहाँ टोटल डाला है, इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर सेट एज अ टोटल इस पर क्लिक कर देना है। ये टोटल हमारा सेट हो जाएगा। अगर ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप अगर आपको कम करना है तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके ये जो गैप है इसको आप जीरो कर देंगे। कुछ ये इस तरह से दिखेगा। देखिए कंटिन्यूसली ये कम्युलेटिव ऐसे बढ़ते जा रहा है वो, और ये फाइनल लास्ट का फिगर आ रहा है। यहाँ पर आप इसका चार्ट टाइटल डाल देंगे। ये एक हो गया है। इसके अलावा हम एक दूसरा ग्राफ बनाएंगे जो वो भी ऑलमोस्ट इसी की तरह ही आने वाला है सेल्स का। हम इसको ना लेके एक हम ये नेट के लिए बनाएंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उस केस में कैसा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, यहाँ डिक्रीज लिखा है, ये टोटल लिखा है। बट इस केस में जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम नेट पर आएंगे तो नेट पर हमको ये डिक्रीज भी देखने को मिलेगा। मैं इसका भी एक प्लॉट कर लेता हूँ। इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद रिकमेंड चार्ट सिमिलर जैसे हमने लास्ट किया था, ऑल चार्ट वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल सेलेक्ट कर दूंगा, और ये जो लास्ट वाला है इस पर डबल क्लिक करके सेट एज अ टोटल करूंगा। आप इसमें देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पर इस केस में हमको दिख रहा है कि इसका जब भी कम कर दिया मैंने सिमिलर जैसे लास्ट किया था। इसके समय दिख रहा है जैसे 2012 में यहाँ उसको प्रॉफिट हुआ है, इसके बाद यहाँ से लेके इसके बाद 17 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, 18 में प्रॉफिट हुआ है, बट 19 में इसको लॉस हुआ है। ये लॉस हमें इजीली समझ में आ रहा है, बट हम ऐसे डेटा देखेंगे तो डेटा में हमें उतने इजीली समझ में नहीं आता है। जो नेट बहुत ज़्यादा वेरी हुआ है वो कहाँ हुआ है, कौन से टाइम पीरियड में हुआ है, वो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं और वो इजीली विजिबल हो जाता है। सिमिलर हम इस केस में हम जैसे कोई इश्यूज के लिए बात करें, जैसे आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्वालिटी इश्यूज के लिए भी हम देखते हैं, उस केस में भी क्या होता है कि उनका कुछ तो भी एक डिफेक्ट का जो पीपीएम आरपीएम जो
आरपीएच बीपीएम जो भी रहेगा। सो उस केस में उनको टारगेट्स रहते हैं उनको कम करना रहता है। सो वो लोग भी यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर उनका टारगेट रहता है, देन उससे टाइम पीरियड में कितना कितना कम करेंगे वो इस तरह से वाटरफॉल बना के देते हैं। सिमिलर सेल्स के लिए या प्रॉफिट के लिए कुछ टारगेट डाल ले जाते हैं, रेवेन्यू के लिए कुछ टारगेट डाले रहते हैं। सो उस केस में भी वो यहाँ पर टारगेट रहते हैं और उसके बाद वाटरफॉल डाल देते हैं कि ये टारगेट डाल रखे हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और ये इस पीरियड में हम इतना इतना गेन करेंगे, इतना इतना इतना, और ऐसे कम्युलेट करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। सो जनरली एक इसमें स्टेप बाय स्टेप हम बताया जाता है कि हम इस टाइम से पीरियड में इतना इतना कम्युलेट करेंगे, इतना हम नेट लेके आएंगे, इतना नेट जनरेट करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ ये पॉपुलेशंस के लिए भी सेम वाटरफॉल का यूज़ किया है। इसके वाटरफॉल से हम पॉपुलेशन को भी इजीली समझ सकते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कितना कम ज़्यादा हुआ है। सो मैं एक ये डेटा ले रहा हूँ, ये डेटा जस्ट मैं ऐसे ले रहा हूँ, रैंडम डेटा है, मैंने कहीं से लिया है, बट कितना ऑथेंटिक है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जस्ट इसका नाम नहीं बोल रहा हूँ। ये डेटा है मेरे पास, ये इसकी पॉपुलेशन है। सो ये मैंने कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेज डाले हैं, सो मैं इनको हटा देता हूँ। सिमिलर सो ये मेरे पास ईयर है, इस ईयर में इतना पॉपुलेशन था, इस ईयर में इतना था ऐसे। सो मैं सिंपली ये जो मेरा फर्स्ट और लास्ट है इसको मैं जिसे रख दूंगा, बट उनके बीच में कितना डिफरेंस हुआ है वो हम एक बार चेक करेंगे। सो वो चेक करने के लिए मैं जो मेरा ये है 60 वाले को मैं से मैं 50 वाले को डेटा को माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलर में ये मैं यहाँ तक करते आऊँगा, ओके। और अभी बाद में मैं इसका एक वाटरफॉल प्लॉट कर दूंगा। सो ये मैं सिंपली सिर्फ इसका कर देता हूँ, नहीं आ रहा है वाटरफॉल, ओके। और अभी मैं इस ये जो है इसको मैं सेट एज ए टोटल कर देता हूँ, ओके। सो या इस केस में हम एक और काम कर सकते हैं कि ये जो लास्ट का है इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये फॉर्मूला हम नीचे तक लेके आते हैं और ये एज ऑफ नाउ का अभी तक का हो जाएगा। सो वापस से इंसर्ट में जाऊंगा, वॉल चार्ट वाटरफॉल, वाटरफॉल में ये मैंने वाटरफॉल बना दिया है और अभी मैं इसको सेट एज अ ये टोटल कर देता हूँ, इसको सेट एज अ टोटल, ओके। सो अभी ये अच्छे से दिख रहा है, ओके। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे फिगर अच्छे से दिखे। और अभी इसमें वापस से जाकर सेलेक्ट डेटा में जाके ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, सो नंबर्स की जगह मुझे ईयर्स चाहिए। सो मैं ईयर्स लाने के लिए ये मेरे जो ईयर्स हैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, मैंने शायद ज़्यादा सेलेक्ट कर दिए, यस मुझे थोड़े कम करने हैं, ये मेरे यहाँ तक ही आएंगे। सो ये देख सकते हैं आप, ये वाटरफॉल है, ये कहाँ कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ से हमें इजीली समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर हमको सिर्फ सारा का सारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते हुए दिख रहा है, बट अगर यहाँ पर कमते हुए कम रहा कहीं किसी, मैंने दूसरा वाला केस लिया है, इस केस में ये कुछ यहाँ पर कम भी हो गई पॉपुलेशन, यहाँ पर कम भी हो गई, मैं इसका भी एक बना लेता हूँ वाटरफॉल, और ये मैंने बना लिया है, और ये जो लास्ट वाला है इसको मैं सेट एज ए टोटल कर देता हूँ, और ये मेरा वाटरफॉल अभी बन गया है। बस अब मैं इसमें लेवल डाल देता हूँ, लेवल डाल दिए मैंने। अब जैसा इस केस में देखेंगे आप कि ये एक दूसरे देश का है, ये दूसरी कंट्रीज का है। सो इस केस में ये मेरा बेस है, ये यहाँ से इंक्रीज हुआ है इतना, ये 10 साल में 50 से लेकर 60 तक इतना पॉपुलेशन यहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ इतना इंक्रीज हुआ है, बट जो इंक्रीज है वो थोड़ा कम हुआ है, बट यहाँ फिर से हुआ है, बट ये इसके बाद ये जो 2000 2010 ये 1990 से लेकर 2000 इसमें पॉपुलेशन कम हुआ है,
और 2000 से लेकर 2000 इसमें पॉपुलेशन कम हुआ है, और अभी अगेन ये फिर से पॉपुलेशन यहाँ बढ़ने लगा है, बट इस केस में ये पूरा पड़ रहा था। सो इस तरह के हम वाटरफॉल से और भी बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, इसको हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, बट इसको बनाना कैसा है, कहाँ यूज़ करना है, ये आपको आना चाहिए। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी रहती है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर रिवर्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।